तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने डेल के E6410 लैपटॉप के अंदर जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं कैडी के साथ अपने हार्ड ड्राइव को, तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर पाओगे। और ये मैंने दोस्तों अपना सीडी ड्राइव और सीडी राइटर जो है यहाँ पे निकाल चुका हूँ, और ये वाली चीज़ जो है बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही आसानी से नहीं निकलता है। तो दोस्तों इसको ध्यान रख कर निकालना होगा आपको, ये बहुत ही ज़्यादा लॉक फंसा करके तब इसको लगाया गया था, मैं बहुत ही मुश्किल से इसको निकाला हूँ। तो इसको रिमूव कर लीजिएगा आप लोग ये सीडी ड्राइव से, और उसके बाद यहाँ पे इसको लगा देना है आपको। ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से लगेगा, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अब शेप में आ चुका है, ये डीवीडी राइटर की तरह आपको दिखने लगा है कुछ इस तरीके से। शेप एकदम दोस्तों सेम टू सेम है, डीवीडी राइटर के जैसा ही आपको शेप देखने को मिलता है, दोनों का शेप आप देखोगे तो। तो अब क्या है, ये जो डेल का E6410 लैपटॉप है उसमें ये वाला स्क्रू नहीं कसाता है, तो उसी के अंदर दिया हुआ है कुछ। और मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क को यहाँ पर इसको इसमें लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो है लगा लेना है, थोड़ा जो लगा के इसको अंदर की तरफ खसकाने पे जो है ये अच्छी तरीके से बैठ जाता है। यहाँ पे जब स्क्रू का शेप आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो हार्ड डिस्क है अच्छे से बैठ चुका है। देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू जो है, चार स्क्रू जो है यहाँ पे कसाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये स्क्रू जो है यहाँ पे कैडी के साथ में आया है, 4 स्क्रू यहाँ पे देख रहे होंगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से टाइट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप टाइट कर दो, जिससे कि ये जल्दी रिमूव ना हो, कभी झटके वगैरह में पड़े लैपटॉप तो ये रिमूव ना हो जल्दी से। सो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टाइट कर देना है स्क्रू को। और यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क को अच्छे से यहाँ पर बैठा चुका हूँ इसके अंदर, और स्क्रू को भी अच्छे से टाइट कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है कि ये वाला भी यहाँ से जो डीवीडी राइटर में आपको जो ये यहाँ वाला जो चीज़ है इसको यहाँ पे कसना पड़ता है, तो इसको कसने के बाद ही आप लगाइएगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसको रिमूव करके और इस कैडी में टाइट कर चुका हूँ स्क्रू से। अब दोस्तों इसको लगाता हूँ इसके अंदर। सो इसको इस तरीके से लगाना है आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे लग चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसको टाइट वगैरह करके मैं आपको थोड़ा सा इसको चालू करके देखता हूँ कि ये हार्ड डिस्क मेरा जो है उठाया कि नहीं उठाया। सो दोस्तों लैपटॉप ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे दोस्तों दिखाता हूँ कि मेरा हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे लोडिंग हुआ है कि नहीं, इसमें शो हो रहा है कि नहीं देखता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे शो हो चुका है, लोकल डिस्क ई के नाम से मेरा जो है यहाँ पे काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मेरा जो है हार्ड डिस्क भी यहाँ पर उठा चुका है। यहाँ पर लोकल डिस्क ई इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि मैं अपने हार्ड डिस्क में भी विंडोज को इंस्टॉल करके रखा हूँ, और यहाँ पे SSD में भी विंडो इंस्टॉल है, तो इसलिए आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा है।
सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आप कैडी में अपने हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल कर सकते हो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।